साथियों, पुरानी पेंशन को लेकर विशेष खबर, अध्यापकों के लिए ग्रीन कार्ड की विशेष खबर और आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जाएगी हाई कोर्ट। इस प्रकार की पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथियों, आप अपनी समस्याओं को, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। जिस टॉपिक पर अधिक से अधिक कमेंट आते हैं, निश्चित ही अगले वीडियो में उस टॉपिक को जोड़ा जाता है, इसलिए आप अपनी समस्या को लेकर अधिक से अधिक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। चुनाव में पुरानी पेंशन के मुद्दे ने बदल दिया कर्मचारियों का रुख। झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर पुरानी पेंशन बहाली करना था। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, अलग अलग माध्यमों से इसकी समीक्षा भी की जा रही है, परंतु अब इन सबके बीच में एक चौंकाने वाला डाटा देखने को मिल रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने पूरी ताकत से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को वोट किया है। पार्टी के गठन से लेकर आज तक कभी भी किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकारी कर्मचारियों ने इस प्रकार समर्थन नहीं मिला, जबकि पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुल 19 सीटों पर जीत हुई थी, परंतु मात्र 10 सीटों पर ही पोस्टल बैलेट में यह विजय हो पाया था। वहीं इस बार कुल 81 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 65 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीत हासिल हुई है। इस संबंध में जब चुनाव आयोग के आंकड़े देखने से स्थिति स्पष्ट हो रही है, वहीं सरकारी कर्मचारियों से इस बदलाव का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से लिया था, इसलिए हम सभी सरकारियों ने, चाहे वे किसी भी विभाग का हो, किसी भी संवर्ग का हो, एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर वोट किया। फॉर ओल्ड पेंशन कैंपेन को भी मिला है परिणाम। विक्रांत सिंह ने कहा है, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा है कि पेंशन हमारे लिए भाग में मुद्दा है और हम सब कर्मचारी संवैधानिक दायरे में रहते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। इस चुनाव में हम सब ने वोट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का कैंपेन चलाया और परिणाम को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा कैंपेन 100% सफल रहा। 40,676 कर्मचारियों ने पोस्टल वोट किया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहाँ पिछले चुनाव में मात्र 19,091 कर्मचारियों ने पोस्टल वोट का प्रयोग किया था, वहीं इस बार 40,676 कर्मचारियों ने पोस्टल वोट किया है। पोस्टल वोट के प्रतिशत की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जहाँ पिछली बार 23% वोट मिले, वहीं इस बार 49% पोस्टल वोट मिले हैं। चुनावी रैली में भी हेमंत सोरेन ने की थी घोषणा, सरकारी कर्मचारी अपने संगठन पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन झारखंड NMOPS के माध्यम से भीतर ही भीतर कई बार पेंशन के मुद्दे पर हेमंत सोरेन से मिल चुके थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के प्रत्यक्ष अपने क्षेत्रों में भी पेंशन के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठकर रणनीति बनाने का काम कर रहे थे। इन सबके साथ हेमंत सोरेन ने अपनी कई चुनावी रैलियों में पुरानी पेंशन बहाली की बात कही। 29 सितंबर को मोराबादी मैदान में पेंशन पर संघर्ष रैली में हेमंत सोरेन ने मंच साझा भी किया था। ग्रीन कार्ड धारी अध्यापकों के लिए विशेष खबर, विशेष वेतन वृद्धि। यह विशेष आदेश कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन और खरगोन दिनांक 26/12/2019 का आदेश, ये विषय देख लेते हैं। ग्रीन कार्ड धारी अध्यापकों को विशेष वेतन वृद्धि का लाभ देने विषय, आगे देख लेते हैं आदेश में क्या है। विषय अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक, ये जो क्रमांक दे रखा है, दिनांक 7/7/2017 एवं आदेश दिनांक 22/8/2017 द्वारा छठे वेतनमान का लाभ दिनांक 1/1/16 से उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर स्वीकृत किया जाकर वेतन निर्धारण तालिका बनाई गई, जिसमें परिवार नियोजन करने वाले अध्यापकों को दिनांक 1/1/2016 से विशेष वेतनोति दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया, अतः वेतन निर्धारण में अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को ग्रीन कार्ड का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षण सचिवालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक आपके सामने दे रखा है, दिनांक 1/5/2019 के अनुसार जिन अध्यापकों के द्वारा परिवार नियोजन ऑपरेशन दिनांक 16/6/2006 के पूर्व या पश्चात कराया है, तो उन्हें विशेष वेतन वृद्धि का लाभ संकुल प्राचार्य आरण संवितरण अधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई नियमानुसार की जाना सुनिश्चित करे। यह आदेश निकाला जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन मध्य प्रदेश खरगोन दिनांक 26/12/2019। पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता खोलने शीर्ष अदालत जाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में 3 साल से बंद पदोन्नति का रास्ता खुलवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त अनुमति दिए जाने का आग्रह करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यथास्थिति को स्थगन में बदलाव करने के लिए आवेदन सर्वोच्च न्यायालय में लगाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई नए साल में 28 जनवरी को होनी है। के मुताबिक सरकार पदोन्नति में आरक्षण नियम रद्द होने के बाद रुकी प्रक्रिया को शुरू करने सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त अनुमति चाहती है। इसके लिए पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हुए।
कमलनाथ सरकार ने मामले का हल जल्दी निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जल्दी से जल्दी सुनवाई कराने के लिए व्यवस्था में भी बदलाव किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसी को इस प्रकरण से जोड़ा गया, वहीं प्रभारी अधिकारी प्रमुख अभियंता आर के मेहरा को भी बदलकर आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली में पदस्थ अपर आवासीय आयुक्त प्रकाश उन्हाले को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा न्यायालय में कर्मचारियों की पदोन्नति अवरुद्ध होने से कार्यकुशलता पर पड़ रहे प्रभाव को भी मजबूती के साथ रखने की तैयारी भी की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस बार पूरी कोशिश यथास्थिति को स्थगन में तब्दील कराने की होगी। इसके साथ भी यह भी मांग रखी जाएगी कि प्रदेश सरकार को सशर्त पदोन्नति करने की अनुमति दे दी जाए, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।